हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका राहुल मसीह यूट्यूब चैनल पर। और ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ही अच्छी वीडियो बनने वाली है और इसमें फन दबा के मिलेगा आपको। बहुत ही मज़ा आएगा। है हमारे साथ पूरे हम इसमें आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे एंजॉय करें अपने भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, जब आप अकेले हों तो किस तरीके से आपको एंजॉय करना चाहिए। फुली एंजॉय होने वाला है आगे इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और देखते रहिए राहुल मसीह यूट्यूब चैनल। देखिए, हमने 1 किलो मीट लिया है, अभी चिकन लिया है और बियर भी ले लिया है, तो मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए दोस्तों, पापा पापा और यहाँ पर पापा कब धमाकेदार होने वाला है, तो देखते रहिए वीडियो को एंड तक। तब तक के लिए फाइनली घर पहुँच चुके हैं और अपना प्रोसेस शुरू करने वाले हैं। आइए लेके चलते हैं आपको। हम किचन में आ चुके हैं और सारा सामान पहले ही बाहर से ले लिया था। अभी सारा हम आपको बताएंगे, रेसिपी भी बताएंगे इसमें कि हम कैसी चिकन चंगेजी बनाने वाले हैं आज। तो स्टार्ट करते हैं फिर, चलिए। और यहाँ पर देखिए चिकन भी है, चिकन हमने रख दिया है, अभी धोएंगे इसे फिलहाल के लिए। और सामान आपने देख लिया, सब कुछ है, अभी हम बताते हैं आपको आगे। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मसाला डालने से पहले आप गैस की जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो कर दीजिए। और मैंने जैसे लो कर दिया, उससे चीटें ज़्यादा नहीं आती। और ध्यान रखिए पानी नहीं डालना अभी इसके अंदर, दिक्कत है बताओ। हम कभी कदार ही पीते हैं, ओकेशनली, जैसे ज़्यादातर मेरी छुट्टी होती है सैटरडे को, भाई की भी छुट्टी होती है तो हम ले लेते हैं। तो यही एक समय होता है जो एंजॉय करने का होता है। भाइयों के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, दोस्तों के साथ भी आता है, उतना नहीं आता, लेकिन भाइयों के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो जो चाहे वो हो जाए, किंगफिशर एंजॉय। तो आइए अब देखते हैं क्या हाल है यहाँ पर। अभी इसको कम से कम आपको इसे 20 मिनट तक पकने देना है। अभी 20 मिनट तक पकने देना है, ठीक है। तो आप हमें बता रहे हैं कि जैसे कि बहुत अच्छा खाना पकाने में बहुत अच्छे उस्ताद हैं, मैं वाकई में इनसे सीखता हूँ। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छी शुरुआत इन्होंने यहाँ पर की है इस चैनल की, और लोगों को, ताकि हम लोग अपने फ्रेंड्स को इस एज में, जो हम लोग हैं, यंग एज है हमारी, और हम लोग काफ़ी लोगों को देखते हैं कि कहीं यंग एज के लड़के जो हैं खामा खामे बेकार की चीज़ों में अपना ध्यान लगाते हैं, क्यों ना हम ऐसी चीज़ों में ध्यान लगाएं ताकि हम अपनी फैमिली को भी इंजॉय करा सकें और अच्छे से खेले कूदे, मज़ा करें, ज़िंदगी का मज़ा लें। क्योंकि 4 दिन की ज़िंदगी है, उसके बाद फिर पता नहीं क्या होना है, होना है कि नहीं होना है, पता नहीं क्या होना तो इंजॉय करना है। और ये देखें यहाँ पर उबाल हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे ज्वालामुखी में उबाल होता है, ग्रुप छा गए। देख सकते हैं दोस्तों, मसाला फोकस करके दिखाएंगे हमारे विशाल भाई। और मसाला एकदम जबरदस्त तरीके से तैयार हो चुका है यहाँ पर। अब हम इसमें चिकन डाल देते हैं। देखिए यहाँ पर चिकन डल रहा है, चिकन का कलर भी कितना मस्त आ रहा है। देखिए चिकन डल चुका है यहाँ पर, मैश कर देते हैं। खुशबू भी आ रही है मुझे तो अभी से, काफी बढ़िया। फोकस करेंगे भाई साहब थोड़ा और एक बोटी पर मसाला लगा हुआ साफ दिखाई दे रहा है, काफी कमाल का मसाला तैयार किया और पूरा श्रेय जाता है।
अब दोस्तों हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे चिकन अच्छी तरह पक जाए, और आप इसके अंदर जिसके अंदर हमने ग्राइंडर किया था इसी के अंदर पानी डाल के कर दोस्तों। अब दोस्तों तैयार हो चुका है पूरा मसाला, सब कुछ चिकन भी तैयार हो चुका है, और यहाँ पर रोटियाँ भी तैयार हो चुकी है। गुरु अगर देखिए गुरु चिकन यहाँ पर तैयार हो चुका है, और अब हम इसमें हरा धनिया डालने वाले हैं। हरा धनिया देखिए, हरा धनिया डल रहा है, कितना शानदार लग रहा है, ये खुशबू भी बड़ी लाजवाब है। गुरु छा गए, पूरा का पूरा मुर्गा हम खा गए क्योंकि देखिए वीडियो में हम खिला नहीं सकते आपको, वीडियो में नहीं खिला सकते आपको, हमारे पास आना पड़ेगा। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि आप हमसे दोस्ती बढ़ाएं, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आगे अगर आप कुछ बनवाना चाहते हैं हमसे तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं, हमसे बता हमको बता सकते हैं कि हम क्या बनाएं आगे। लेकिन प्लीज़ कोई उपड़ा चीज़ नहीं, अच्छी सी कोई आप चाहते हैं कि जो आपको भी सीखना हो बनाना, तो हम लोग आपको बना के दिखाएंगे। और देखिए रोटी तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए रोटी भी हमने बनाई है, ये आटा भी बना।